नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, तो कैपेसिटर को हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। मतलब अगर आपको इसका बेसिक समझ में आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी टेस्ट कैपेसिटर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट करने के लिए इसका फंक्शन आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एसी करंट को पास करता है और डीसी को रोक लेता है, ठीक है। ये काम है आपको आपका कैपेसिटर का, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी कैपेसिटर आपको सर्किट में कैसे दिखाई देते हैं। देखिए, ये एक लैपटॉप है, लैपटॉप का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में आपको मैं दिखाता हूँ कैपेसिटर कौन से हैं, ठीक है। देखिए, आपके सामने अभी जो ये तीन कैपेसिटर आप देख रहे हैं, देखिए ये तीन कैपेसिटर हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अभी इस कैपेसिटर में जो आपकी आपको ये वाइट लाइन दिख रही है, इस पे ये वाइट लाइन होती है नेगेटिव साइड, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए ये वाइट लाइन्स है। ये वाइट लाइन्स क्या होती है? ये आपका नेगेटिव साइड आपको दर्शाता है। उसके बाद जो इसका अपोजिट साइड है, मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड है आपका पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो जब भी आप वोल्टेज अगर यहाँ इस पे चेक करेंगे तो आपको इस पे यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलने वाला है और यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये हो गए आपके टैंटलम कैपेसिटर्स, इसको टेंटलम कैपेसिटर हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब इसे हम पोलर कैपेसिटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पोलरिटी है। पोलर कैपेसिटर हम इसे क्यों कहेंगे? इसमें पोलरिटी होती है। पोलरिटी मतलब क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव माने जहाँ पे सप्लाई मिलता है, जहाँ पे वोल्टेज दिखाता है, वो हो गया आपका पॉजिटिव, और नेगेटिव में आपको वोल्टेज नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये वाले कैपेसिटर जो है, तो ये होते तो ये जो कैपेसिटर्स है, ये कैपेसिटर्स होते हैं आपके नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, क्योंकि ये पोलर कैपेसिटर नहीं है। तो ये कैपेसिटर हम मदरबोर्ड पे कैसे भी बिठा सकते हैं, मतलब ये साइड अगर यहाँ पे आ गई और ये साइड यहाँ पे आ गई तो भी कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, क्योंकि इसे पोलैरिटी नहीं होती, इसका नेगेटिव पॉजिटिव साइड नहीं होता। और इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइड है, तो ये कैपेसिटर हमें ऐसे ही बिठाने हैं जैसे कि उसके सर्किट में दिखाया गया है। देखो, ये जो लाइन है वाइट लाइन, इसके मतलब इसका नेगेटिव साइड इसी साइड में आना चाहिए, ठीक है। अभी देख सकते हैं, जितने भी आपको ये येल्लो कलर के जो दिख रहे जो कैपेसिटर, येल्लो मतलब ब्राउन कलर के, तो ये सारी कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पे भी आपको एक कैपेसिटर दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी, ये इसका नेगेटिव साइड है और ये इसका पॉजिटिव साइड है। देखो, बहुत सारे यहाँ पे कैपेसिटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका जो दूसरा वाला साइट है, तो वो दूसरा वाला साइट हम इसे चेंज करके देखते हैं यहाँ पे भी, और कौन से कैपेसिटर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, आपको अभी ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, ये है अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, देखिए यहाँ पे। अब ये कैपेसिटर भी क्या होते हैं? ये कैपेसिटर भी होते हैं आपके पोलर कैपेसिटर, क्योंकि इसमें भी आपकी पोलैरिटी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव साइड यहाँ पे होती है। देखिए,
अब ये जो आपको पिंक कलर वाला जो साइड दिख रहा है आपको, ये है आपका नेगेटिव साइड, और यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, ये आपका पॉजिटिव साइड है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो जो वाइट लाइन है ना, तो वो नेगेटिव साइड दर्शाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव है और ये साइड आपका पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। इसमें देखो इस पे वैल्यू भी दिखाया गया है, यहाँ पे 3 एक्चुअली इस पे कोडिंग होते हैं, इस पे नंबरिंग होती है। ये 6.3 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये भी 6.3 है, और ये 2.5 वोल्ट होल्ड का है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है। ज़्यादातर लैपटॉप के मदरबोर्ड्स में ये कैपेसिटर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तीन तरह के कैपेसिटर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो कौन से हैं वो तीन कैपेसिटर देखिए। ये वाला जो है ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं, और दूसरा वाला जो है वो आएगा आपका इस टाइप का कैपेसिटर, इस टाइप का कैपेसिटर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है ये नॉन पोलर कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के कैपेसिटर आपको मैक्सिमम लैपटॉप के मदरबोर्ड में दिखाई देने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया कि मदरबोर्ड के ऊपर आपको कैपेसिटर कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे मैं एक निकालूँगा, एक पोलर कैपेसिटर, ये समझ लो पोलर है, और ये समझ लो आपका नॉन पोलर है। ये उसका दोनों साइड के से दो सिरे हैं, और ये उसके दोनों साइड के दो सिरे हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन निकलता हूँ, ऐसी वाली एक लाइन निकलता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, और इसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि कैपेसिटर में क्या होता है, कि जैसे कि मैंने आपको पहले एक लेक्चर में दिखा बताया था कि यहाँ पे भी एक प्लेट होती है नेगेटिव वाली, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक दूसरा प्लेट होता है, और उसके अंदर का जो पोर्शन है तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जमा होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जितना भी चार्ज होता है वो सब इसके बीच में स्टोर हो जाता है, मतलब ये चार्ज माने हम इसे करंट कहेंगे, तो करंट जो होता है ये आपके पूरे इस डाइलेक्ट्रिक पार्ट में स्टोर हो जाता है आपका करंट। ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटर का मेन फंक्शन क्या है कि करंट को स्टोर करना। देखो ये आपका कैपेसिटर है, यहाँ से करंट आएगा एसी करंट, यहाँ पे वो चार्ज होगा। ठीक है, और इसी लाइन से होके वो एसी करंट पास होगा, लेकिन जब डीसी करंट यहाँ से पास होता है तो होता क्या है, यहाँ पे वो डीसी करंट जो है वो नेगेटिव से वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक फिल्टर का फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। अगर यहाँ पे आपका करंट आ रहा है, ठीक है, समझो ये 3.3 वोल्ट है या 3.7 वोल्ट है या 3.9 वोल्ट है, ऐसे समझ लेते हैं। तो देखो हर एक कैपेसिटर को एक वैल्यू होती है, बराबर, तो जितना वैल्यू का वोल्टेज का वो कैपेसिटर है, तो यहाँ से भी कितना भी आए लेकिन यहाँ से आपको जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज भी आपको ये पास करेगा। ठीक है, तो ये काम होता है आपके कैपेसिटर का, एसी को पास कर देता है और डीसी को डिस्चार्ज कर देता है, नेगेटिव के थ्रू डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, तो अगर ये कैपेसिटर आपका खराब हो जाता है
तो इस चीज़ में क्या होता है कि एक तो ये प्लेट ख़राब हो जाए, एक तो ये प्लेट ख़राब हो जाए। अगर एक प्लेट ख़राब हो जाता है तो आपको इसको कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं मिलती, ठीक है। अगर ये दो प्लेट शॉर्ट हो जाए, अगर ये जैसे हम मैं दिखा दो यहाँ पे, ये शॉर्ट हो गए तो क्या होगा, मैक्सिमम एक तो ये ओपन हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये ओपन होती है, ओपन में क्या, ओपन ओपन में क्या होता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक पार्ट है ये ख़राब हो जाता है। ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ से निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जमा नहीं होता है, तो समझो ये क्या ओपन हो गया, ठीक है। ओपन मतलब ये दो प्लेट ओपन हो गए, अलग अलग हो गई, क्योंकि इसके अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक पार्ट है वो काम नहीं करता है, वहाँ पे करंट चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसको हम ओपन होना कहेंगे। और अगर ये दोनों प्लेट जो है ये शॉर्ट हो गए, ठीक है, ये एक दूसरे से मिल गई, तो इस डाइलेक्ट्रिक पार्ट का कोई काम नहीं रहता, वो शॉर्ट हो जाता है। तो या जैसे हम कंटिन्यूटी पे इसको टेस्टिंग करेंगे ये दोनों सिरे, तो यहाँ पे हम वो कंटिन्यूटी दिखाएगा, आपको बीप देगा, जिसका मतलब क्या हो गया कि आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसे कंटिन्यूटी पे कैसा टेस्ट करेंगे, देखिए जब आप कंटिन्यूटी पे टेस्ट करते हैं कैपेसिटर को, तो क्या होना चाहिए। अभी जैसे एक दूसरा एक कैपेसिटर यहाँ पे निकलता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे ब्लैक प्रोब लगाते हैं, यहाँ पे रेड प्रोब लगाते हैं, देखिए जब भी मल्टीमीटर को आप कंटिन्यू टेस्ट करते हैं तो ये दोनों प्रोब से मतलब पॉजिटिव जो प्रोब होता है, रेड वाला प्रोब, तो रेड वाला प्रोब से कुछ भी हो लेकिन यहाँ से करंट बहता है एकदम माइनर, जैसे कुछ भी हो, कुछ भी मिली एम्पियर रहेगा, कुछ भी वोल्टेज रहेगा, लेकिन यहाँ से वो करंट बहता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम ब्लैक वाला सिरा यहाँ पे लगाते हैं और लाल वाला प्रोब यहाँ पे लगाते हैं, तो ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाता है कुछ देर के लिए। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपको आपकी जो रीडिंग होती है, तो जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो तुरंत आपको कुछ यहाँ पे डिजिट आपको दिखाई देंगे, मतलब 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए दिखाई देंगे और वापस से ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि आपका ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। तो वो ज़ीरो हो गया ना, तो उसके बाद आप फिर वापस से लगाएंगे तो आपको ज़ीरो ही दिखाएगा, क्या दिखाएगा आपको, ज़ीरो दिखाएगा, क्योंकि वो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है वो, ठीक है। तो वहाँ पे कोई रीडिंग आपको दिखाई नहीं देगा जब तक, तब तक जब तक कि ये डिस्चार्ज नहीं होता, क्या नहीं होता, डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि यहाँ से प्रोब से करंट जो बहता है वो आपका डीसी करंट है, लक्ष्य ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो नहीं दिखाएगा, ज़ीरो ही दिखाएगा। और जब आप इस कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट मतलब क्या होता है, ये सिरा शॉर्ट करना, एक दूसरे से मिलाना, तो आप वो किसी किसी ट्वीजर से कर सकते हैं, किसी छोटे से स्क्रू ड्राइवर से उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर का जो स्टोरेज करंट है वो डिस्चार्ज होगा, वो निकल जाएगा। तो वापस से आप वो प्रोब लगा देते हो, प्रोब लगाने के बाद आप यहाँ पे आपको वापस से रीडिंग दिखाई देगी और 2 सेकेंड के बाद वो रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी, मतलब क्या हो गया, ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया, ठीक है। माने चार्ज होना मतलब क्या, इसके अंदर करंट स्टोर हो जाना, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए, ठीक है। तो ये काम करता है आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो बहुत आसान है कैपेसिटर को टेस्ट करना, ठीक है। देखिए अभी ये वाला एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है, ये आपका नेगेटिव साइड है और ये आपका पॉजिटिव, मतलब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये है आपका नेगेटिव और यहाँ पे है आपका ये दूसरा वाला सिरा पॉजिटिव, ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे मीटर भी आपको रीडिंग देखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए अब ये नेगेटिव इस साइड में है ना, तो यहाँ पे मैं उसको रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगाया रेड प्रोब पॉजिटिव को, और आप मीटर में भी देखिए, ठीक है,
यहाँ पे देखिए मैंने कंटिन्यूटी पे रखा है, ये देखिए यहाँ पे रीडिंग आ गया वापस से ज़ीरो। ठीक है, ओके। तो अभी मैं निकाल, ये प्रॉब निकाल के अभी वापस से मैं लगाता हूँ सेम जगह पे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये अब चार्ज हो गया है तो इसको डिस्चार्ज करेंगे हम। इसको देखिए यहाँ पे हम जैसे लगाते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ मैं, ये अब डिस्चार्ज हो गया। ये वापस से रीडिंग दिखाएगा अभी, देखो ये मतलब उसको रीडिंग आके वापस से चला जाना, इसका मतलब होता है क्या कि ये चार्ज हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ से मेरे को अगर यहाँ पे लगाने के बाद तो अगर कंटिन्यूटी बीप अगर बजता है तो समझ लो कि ये कैपेसिटर आपका फॉल्टी है। और कुछ भी रीडिंग नहीं, अगर रीडिंग कुछ भी नहीं दिखाता है, ज़ीरो रीडिंग, मतलब शुरू से हमें ये ज़ीरो ज़ीरो रीडिंग दिखाएगा, कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैपेसिटर आपका ओपन हो गया है। क्या हो गया है? ओपन हो गया है। अगर यहाँ पे लगाने के बाद बीप बजता है तो बीप अगर आपको यहाँ पे सुनाई देता है तो समझ लो कि ये आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही है, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, ठीक है, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, देखिए रीडिंग आके चला गया वापस से, वापस से लगा के देखते, देखिए अब रीडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, रीडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी रीडिंग कब आएगा? जब मैं इसे शॉर्ट करता हूँ, देखिए अब मैं इसे शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट हो गया, देखिए अभी दिखाई जा रहा रीडिंग गया बराबर। अभी वापस से लगाता हूँ, रीडिंग है, नहीं है, तो आपको रीडिंग नहीं दिखाई देगा जब तक कि आप इसे शॉर्ट नहीं करते। शॉर्ट क्यों करना है? क्योंकि ये डिस्चार्ज हो गया है बराबर। इसी तरह से सेम इस कैपेसिटर को भी वैसा ही करना है। देखिए अब ये चार्ज हो गया है। ठीक है, जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तभी वापस से हमको रीडिंग दिखा, देखो रीडिंग दिखाई देगा। तो इसी तरह से आपका ये कैपेसिटर वर्क करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियो हमारे मिलते रहें। तो प्लीज़ देखते रहिए हेडशॉट फिल्म्स। थैंक यू।